हम दो हज़ार में घर पे पूजा पाठ कर रहे थे तो हम यहाँ पे अपने रोने लगे पूजा घर में हमारे घर वाले परिवार वाले आए बोले कि क्या हुआ हम कहा भगवान राम राम का मंदिर बनना चाहिए बोले कहाँ हम का अयोध्या में तो ये लोग सोचे कि इनको क्या हो गया कैसे आ, दूसरे दूसरे तरह तरह से बोल रहे हैं तो हमने 2018 में कार्तिक महीने में जो पंचकोशी यात्रा लगती है उसी में हम गए अयोध्या और पूरे परिवार के साथ गए थे हमारे लड़के बच्चे के साथ गए थे और वहाँ सुबह जी में स्नान किए भगवान राम लला का दर्शन करने गए तो भगवान को भगवान को हम टेंट में देखा हमको बहुत पीड़ा हुआ और वहाँ हम रोने लगे और वहीं भगवान राम लला के सामने हमने संकल्प लिया कि जब तक आपका मंदिर नहीं बन जाता है तब तक हम जूता चप्पल नहीं पहनेंगे वहीं जूता चप्पल निकाल के हम फेंक दिए अब हमको पाँच साल से हम नंगे पाँव चल रहे हैं चाहे शादी हो चाहे ब्याह हो चाहे गर्मी बरसात सर्दी मौसम हर मौसम में हम नंगे पांव चलते हैं पाँच साल हमको हो गया जूता चप्पल छोड़े अब माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बाईस जनवरी दो भगवान राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है हमको बहुत खुशी हो हम हमारे परिवार को बहुत खुशी है कि भगवान रामलला का मंदिर बन गया है अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगा और हमारा भी जो संकल्प संकल्प है वह वो पूरा होगा आगामी 12 जनवरी को हम अपने यहाँ गांव से नंगे पांव पैदल जाएंगे अयोध्या के लिए और वहाँ भगवान रामलला राम लला का दर्शन करेंगे और वहीं हम जूता चप्पल धारण करेंगे कितनी खुशी हो रही है हमको बहुत खुशी है जितना खुशी हो है वो कह नहीं सकते बहुत खुशी है